हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज इस वीडियो में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जिनका नाम है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। देखिए दोस्तों, आज हम डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बारे में या उनकी जीवनी के बारे में चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर एस आर रंगनाथन को भारत में फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का मतलब होता है पुस्तकालय विज्ञान का जनक कहा जाता है। और कई बार ऐसा भी सवाल ये परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन के जो है पारिवारिक जो है फैमिली के बारे में, या अर्थात परिवार के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का पूरा नाम है सियाली रामा अमृत रंगनाथन कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं उनके जन्म, उनका जो जन्म है 12 अगस्त 1892 में एक मद्रास राज्य के जो है सियाली ग्राम में हुआ था। फिर उसके बाद उनकी जो डेथ है वो 27 सितंबर 1972 जो है बेंगलोर के अंदर हुई थी। और फिर हम बात करते हैं उनके पिताजी का नाम, उनके पिताजी का नाम था रामा अमृत अय्यर थे। और फिर हम बात करते हैं उनके माताजी का नाम, जिनका नाम था सीता लक्ष्मी। फिर हम बात करते हैं उनकी पत्नी का नाम, पहली पत्नी का नाम था रुक्मणी, जिनकी जिनके साथ शादी हुई थी 1907 में। और दूसरी पत्नी का नाम था शारदा, जिन उनके साथ शादी हुई थी 1929 में। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन का एक बेटा भी था जिनका नाम है योगेश्वर। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जो ऑक्यूपेशन, अर्थात हम जिसके बारे में हम बात करते हैं व्यवसाय, वो एक अच्छे लेखक भी थे, वो एक अच्छे लाइब्रेरियन भी थे, वो एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे, और वो एक अकेडमिक से संबंध रखते थे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो यात्रा है लाइब्रेरी साइंस से संबंधित कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है ना, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सर, बात उस समय की है कि 1924 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन को मद्रास यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में प्रथम लाइब्रेरियन नियुक्त होने के बाद डॉक्टर एस आर रंगनाथन सितंबर 1924 में जो है इंग्लैंड चले गए थे। और जब इंग्लैंड जाने के बाद वहाँ पर उनके गुरु जो है उनसे मुलाकात होती है, और उनके गुरु का नाम है WCB सेयर्स। वहाँ पर मुलाकात होती है। तो इंग्लैंड जाने के बाद और वहाँ पर इंग्लैंड में करीबन उन्होंने 9 महीने बिताए थे। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन इंग्लैंड के अंदर जो वहाँ की जो नेशनल लाइब्रेरी है जिसका नाम है ब्रिटिश म्यूजियम, वहाँ की जो पुस्तकालय कार्य पद्धति का उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही उनको लंदन भेजा गया था। वहाँ उन्होंने पुस्तकालय की कार्य पद्धति के साथ साथ उनमें प्रयोग किए जाने वाले वर्गीकरण पद्धतियों का भी अध्ययन किया था। वहाँ पर वर्गीकरण का अध्ययन करने के बाद उनको महसूस हुआ है कि जो है इंडिया के अंदर भी एक जो है वर्गीकरण पद्धति की जरूरत है। तो इंग्लैंड से वापस आ गए थे 1925 में। उसके बाद उन्होंने जो है भारत की पहली वर्गीकरण पद्धति पर काम करना शुरू कर दिया था जिसका नाम है कोलन क्लासिफिकेशन। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1928 में, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 1928 में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की थी। फिर डॉक्टर एस आर रंगनाथन जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी सिस्टम डेवलप करने के लिए एक निमंत्रण मिला था, ठीक है ना, 1928 में। फिर जो है डॉक्टर एस आर रंगनाथन को BHU बनारस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी सिस्टम को डेवलप करने का एक आमंत्रण उनको मिला था। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1945 से 1947 तक वहाँ पर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरियन पद पर उन्होंने काम किया था। फिर 1947 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन दिल्ली चले गए थे क्योंकि उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे जिनका नाम है सर मॉरिस गाइवर, उन्होंने आमंत्रित किया था डॉक्टर एस आर रंगनाथन को दिल्ली यूनिवर्सिटी आने के लिए। और डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने वहाँ लाइब्रेरी साइंस के प्रोफेसर के रूप में भी कार्य किया था। और सर मॉरिस गाइवर ने रंगनाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस से जो है सम्मानित किया था। फिर डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। और वहाँ 1944 से 1953 तक इंडियन लाइब्रेरी जो है एसोसिएशन है उसमें एक अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। उसके बाद डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बेंगलोर में DRTC जिसकी फुल फॉर्म होती है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, उनकी वहाँ पर उन्होंने स्थापना की थी।
फिर 1965 में रंगनाथन को भारत सरकार के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में नेशनल रिसर्च प्रोफेसर की उपाधि से भी सम्मानित किया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा जो है लाइब्रेरी एसोसिएशन है, जिसका नाम है ALA। ALA की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन ने रंगनाथन को वर्ल्ड लाइब्रेरियन कहा था। फिर हम बात करते हैं डॉक्टर एसआर रंगनाथन को 1935 में राव साहब की उपाधि से ब्रिटिश सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एसआर रंगनाथन को 1957 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा डॉक्टर एसआर रंगनाथन को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा किया गया था। फिर हम बात करते हैं कि डॉक्टर एसआर रंगनाथन को 1948 में दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। फिर उसके अलावा एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग। उन्होंने भी 1964 में एसआर रंगनाथन को डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर एसआर रंगनाथन में लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आज डॉक्टर एसआर रंगनाथन के जो प्रयास से आज हमारा लाइब्रेरी साइंस का अस्तित्व है। और डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने अपनी प्रथम पुस्तक जिसका नाम है द फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जिसे 1931 में प्रकाशित किया गया था। और 1970 में ALA के द्वारा मार्गेट मान प्रशस्ति पत्र रंगनाथन को प्राप्त हुआ था। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 अगस्त के दिन डॉक्टर एसआर रंगनाथन का जन्म हुआ था। और 12 अगस्त को हर साल पूरे इंडिया में नेशनल लाइब्रेरियन डे अर्थात राष्ट्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत में डॉक्टर एसआर रंगनाथन की जो मृत्यु है सितंबर 1972 80 वर्ष की आयु में बेंगलोर में हुई थी। तो आज हमने एक एनिमेशन के माध्यम से डॉक्टर एसआर रंगनाथन की जीवनी के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए और हमारे इस क्लास को भी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लास्ट में जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे वीडियो जो आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इस क्लास को पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके की और क्लास देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करें। जो विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं, उन टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और हमारे OSI फैमिली से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में और अच्छी से अच्छी क्लास आपको मिल सके।